और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां सिंधिया हाउस में आग लग गई है और अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि 5 लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं। इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसी बिल्डिंग में आयकर विभाग का दफ्तर भी है। वीरेंद्र सिंह गुनावत मेरे सहयोगी इस वक्त और जानकारी फोन लाइन पर दे रहे हैं। वीरेंद्र बताइए। रोहित, जो पहली इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि जो 4 से 5 लोगों की फंसे होने की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही थी, उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनको बचा लिया गया है। 4थे और 5वें मंजिल पे जो टेरेस की सिचुएशन है, उनको वहां से निकाल दिया गया है। दूसरी अहम बात यह है, ये आयकर विभाग का इन्वेस्टिगेशन विंग का बिल्डिंग है, सिंधिया हाउस। मुंबई में एक इकलौता सिंधिया हाउस है जहाँ पूरे मुंबई की जांच पड़ताल यही होती है। अहम बात यह है कि आग 3री मंजिल पे लगी है, जहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर या जितने भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं इनकम टैक्स के, उनका ऑफिस, उनका चैम्बर और रूम है। और 3री मंजिल पर एक वरिष्ठ अधिकारी के चैम्बर से आग निकली है। ऊपर से एक और बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ तमाम जांच के जो केसेस है, खासतौर पर नीरव मोदी या बहुत सारे ऐसे केसों की फाइल है जो यहाँ 3री और 4थी मंजिल पर हमेशा रखी हुई होती है। लेकिन इस वक्त आग लगी है, तकरीबन 8 फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच चुकी है, जिसको आग बुझाने का काम इस वक्त जारी है और कई लोगों को बचा लिया गया है। तो अभी कोई भी हताहत की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन सवाल रोहित बिल्कुल बनता है कि यह बहुत ही ऐतिहासिक लोगों को प्रोटेक्शन देने वाली ये बिल्डिंग है। तकरीबन यहाँ 10 से 12 यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहते हैं। आग कैसे लगी है ये बात है जांच का विषय है, लेकिन इस वक्त काफी भारी मात्रा में आग लगी थी, लेकिन अभी ये बुझाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ। वीरेंद्र, अपने दर्शकों को बता दें, तस्वीर जो देख रहे हैं इस वक्त भयंकर आग लगी है। इस समय मुंबई में सिंधिया हाउस की बिल्डिंग है ये, और इसमें कई अहम दफ्तर हैं, लेकिन जो लोग फंस गए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वीरेंद्र हमें ये जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र फिलहाल जानकारी देने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे, लेकिन खबरें ब्रेक के बाद भी आज तक पर जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद अंजना होंगी हल्ला बोल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।